समस्तीपुर जिला, जहां एक किसान ने अपनी मेहनत के दम पर सफलता की नई इबादत लिखी है और दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। वैसे तो हर कोई अच्छी पढ़ाई करने के बाद अच्छी नौकरी और जीवन बिताना पसंद करते हैं। ऐसे ही एक समस्तीपुर के रहने वाले किसान ने अपने बेटे सुधांशु कुमार को उच्च शिक्षा देकर सफल आदमी बनाने का सपना देखा था। हुआ भी कुछ ऐसा ही, लेकिन बेटे ने सफलता पाने के लिए नई राह चुनने का फैसला लिया, वो भी पिता की इच्छा के विरुद्ध, जो बिल्कुल आसान नहीं था। फिर भी बेटे ने हिम्मत नहीं हारी और टाटा की बड़ी नौकरी ठुकरा कर खेती करने वापस अपने गांव आ गए। कॉलेज के बाद हमें नौकरी मिली टाटा टी गार्डन मुनार में एज असिस्टेंट मैनेजर, लेकिन उस नौकरी को नहीं एक्सेप्ट करते हुए हम गांव की ओर आए। गांव जब आए तो पिताजी तो खुश नहीं थे इस बात से, बहुत नाराज थे कि इतना पैसा खर्च करके तुमको पढ़ाए लिखाए और तुम वापस गांव आए तो पढ़ते ही नहीं, ज़रूरत क्या थी पढ़ने की। खैर फिर भी हिम्मत नहीं हारे, हम जिद किए कि नहीं हम गांव में ही रहेंगे, एक लगाव था गांव से, मन लगता था गांव में। वे पिछले 31 साल से खेती कर रहे हैं और वर्तमान में भारतीय किसान नेटवर्क के प्रधान सचिव भी हैं। साल 1988 में टाटा की नौकरी छोड़कर सुधांशु कुमार ने ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत की थी। कभी गांव वालों के तानों को बर्दाश्त करते सुधांशु आज 200 एकड़ जमीन पर खेती करते हैं। इसमें से 60 एकड़ जमीन पर माइक्रो इरिगेशन और 35 एकड़ जमीन पर ऑटोमेटेड तरीके से खेती करते हैं। वे कहते हैं कि तकनीक के इस्तेमाल से गुणवत्तापूर्ण खेती होती है। बिहार में काफी वर्षों पहले ही किसान श्री की उपाधि से सम्मानित होने वाले सुधांशु कुमार ने कृषि के क्षेत्र में जो बदलाव किए हैं, उनसे प्रदेश क्या देश भर के किसानों को सीखने का मौका मिल रहा है। पिताजी चाहते थे कि हम सिविल सर्विस का जो एग्जाम दे रहे थे उसको कंटिन्यू करें, तो उन्होंने हमें एक आम का बागीचा दिया जो बिल्कुल जंगल था। इस ये सोचकर कि परेशान होके फिर वापस अपना दिल्ली जाएगा, वहाँ परीक्षा की तैयारी करेगा, नौकरी करेगा। लेकिन हम अपने जिद पे अड़े रहे और आरयू पूसा जो हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है डिस्ट्रिक्ट में, उनके वैज्ञानिक के सहायता से, कृषि विज्ञान केंद्र के सहायता से हम लोग उस पूरे आम के बागीचे को साइंटिफिक तरीके से उसको संभाले, और जिस बागीचा से पिताजी को कभी 15 से 20 कभी 25,000 रुपया नहीं आता था, जिससे लगभग उस समय 12 बीघा था ये ऑर्चर्ड, एक साल मेहनत करने पर हम लोग उसको ले गए 1,35,000 पर। वो इतना बड़ा छलांग था कि लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। जब हमने रेट कोट किया, 1,65 हम रेट कोट किए थे, 1,35 मिला, तो पिताजी बिगड़ के कह रहे थे कि कहाँ से लाके देगा इतना पैसा, ये पैसा है कि कुम्हार का खपड़ा है कि बस तुम बोल दिए। खैर एनीवे हम लोग अड़े रहे और उतना में बेचे, और शायद ये जो सफलता मिली इससे पिताजी भी थोड़ा शांत हुए, गांव में भी लोग ताना मारना बंद किए। गांव में लोग को यही कहना था कि अरे मेरे पिताजी का नाम लेके कि इनका तो सारा पैसा गया, लड़का बर्बाद हो गया, वापस गांव आ गया। और विडंबना है कि आज वही लोग कहते हैं कि नहीं अगर खेती करना है तो उनके लड़के की तरह करो, उनके लड़के की तरह पढ़ लिख के करो। टेक्निकल किसान सुधांशु कुमार अपनी खेती दूसरे किसानों से हटकर करते हैं। सुधांशु जहां रहते हैं मोबाइल लैपटॉप के जरिए वे हमेशा खेतों पर नजर बनाए रखते हैं, साथ ही देश दुनिया में खेती के लिए विकसित हो रहे नए औजारों को भी देखते रहते हैं और उन्हीं औजारों को खेतों में लाकर उसका इस्तेमाल कर बेहतर उत्पादन करने की हमेशा सोचते हैं। किसी ने सच ही कहा है, खोटा सिक्का जो समझते थे मुझे, आज मैं उनका ध्यान तोड़ आया हूँ। जिंदगी की राहों में सफर लंबा था मेरा, इसलिए कदमों के निशान छोड़ आया हूँ। समस्तीपुर से पप्पू कुमार की रिपोर्ट।